पेशेंट की मेडिकल रिपोर्ट काफी इम्प्रूवमेंट बता रही है। और आप लोग कौन हैं? ये मेरी बहन है, इसे दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट करना है। ए, ले चलो इसे। हाँ? टकले, पागल हो गया है क्या? ये अभी तक कोमा में है। चुप! ए भाई, ये ठेला नहीं है जो घसीट रहा है, इलाज चल रहा है। हम लोग के ट्रीटमेंट में टांग मत अड़ा, हमें भी इलाज करना आता है। पेशेंट को ले जाओ। सोमा से टोकर खातो तो वर जातो, उसका तो बैकअप बैकअप बैकअप। ये लड़की को इम्प्रेस करने के चक्कर में जोर से मार रहा है, लेकिन पटेगी नहीं। पटेगी भी और पतंग कटेगी भी। तू काय करो क्या भाई? माफ करना, लगता है डोंगरी मेडिकल से पास आउट है, गलती हो गई। चमड़ी है गोरी, यही चमाजी छोरी। आ गया मेरे सपनों का शहजादा। उसने अपने दिल के वार्ड में खाट बिछा दी रे। ऑपोजिशन में होने के नाते मैं सीएम से पूछता हूँ कि क्या उन्हें नहीं पता कि होम मिनिस्टर शहर में गुंडागर्दी फैला रहे हैं। सीएम को जवाब देना होगा, और अगर हमें इस बात का सही जवाब नहीं मिला तो उन्हें रिजाइन करना होगा। ये मैंने नहीं करवाया। मैं जानता हूँ, तुम्हें ये पता होना चाहिए कि मैं एक सीएम हूँ। फिर से मेरे पास कोई शिकायत आई तो मुझे स्ट्रिक्ट एक्शन लेना पड़ेगा। दिस इज फर्स्ट एंड फाइनल वार्निंग। अबे ए, क्या बोला? जब देखो सीएम 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 की रट लगाता है। तेरे पैदा होते ही तेरे माँ बाप ने तेरा नाम सीएम रखा था क्या? कुर्सी पे तू बैठा है तो तू, मैं बैठूंगा तो मैं सीएम, दैट्स इट। क्या फिर धमकी दी तो काट डालूंगा। विक्रम। हाँ भैया। उस सीएम ने मुझे वार्निंग दी है, उसे हटा के मुझे सीएम बनना है। कितने एमएलए हैं अपने पास? यही कुछ 20 लोग होंगे, 50 और खरीद लेंगे। अच्छा, सबका सपोर्ट मिलता ही अनाउंस कर दो। ओके। सीएम बनना क्या कोई खाने का काम है? हलवा है क्या? की उंगली टेढ़ी की और घी निकाल लिया। ये हलवाई की औलाद, पॉलिटिक्स ही एक ऐसा काम है जो इस देश में कोई भी कर सकता है। मेरे साथ आओ, तुम्हारी काबिलियत देखकर तुम्हें यहाँ बुलवाया है। थैंक यू सर। मैं सीएम बनने वाला हूँ सर, तो मेरा साथ दोगे? अगर ईमानदारी से मेरा साथ दिया तो तुम्हें डीजीपी बनवा दूंगा। धन्यवाद। भैया 25 करोड़ में ये अपना दीन धर्म सब बेच देंगे। बस 25 करोड़ मिल जाएगा। ओके सर। मेरे गवर्नर से मिलने तक सारे एमएलए को करजत के फार्म हाउस में ठहराना। ठीक है सर। अरे इसकी तो क्या हुआ, ऐसा करके मैं भी सीएम बन सकता हूँ? बन तो सकता है बकुड़ा, लेकिन अगर मेरे पास इतना पैसा हो तो उसकी एफडी खुला के ब्याज ही खाओ। बॉम्बे वाली प्रॉपर्टी को बेचकर 12,000 करोड़ मिलेंगे, 2,000 करोड़ व्हाइट में दिखाएंगे और 10,000 करोड़ कैश मिलेंगे। कल करजत के फार्म हाउस से पैसे कलेक्ट कर लीजिए। सर
पता चला है कि कर्जत से एक ट्रक 10,000 करोड़ कैश लेकर निकल चुका है। उन पैसों से वो हमारे 50 MLA खरीदना चाहते हैं। ऐसा हुआ तो वो CM बन जाएगा। बन जाने दो CM, अपनी पोस्ट बचाने के लिए बेकार के झगड़े नहीं चाहिए। सर आपको कुछ करना ही होगा। वो रावण CM बना तो स्टेट को लंका बना देगा, आपको कुछ करना पड़ेगा। क्या कर सकता हूँ, जाके ट्रक के सामने लेट जाऊँ? सर एक आदमी है जिसने होम मिनिस्टर को धमकी दी थी, ये काम वही कर सकता है। तो उससे कॉन्टेक्ट करो, बिना डिटेल्स बताए उससे बात करो। सर आपकी मदद चाहिए। बोल क्या काम है। हमारी एक ट्रांसपोर्ट कंपनी है जिसका एक ट्रक चोरी हो गया है। उसे आज कोई और चला रहा था और वो ट्रक देने से मना कर रहा है। अगर आप ट्रक ला देंगे तो आपको 20,000 रुपए दूंगा। ए, रुक, पैसे से मत तोल, पैसा नहीं चाहिए। ये बुड्ढों का पैसा नहीं है, ले ले। ओ गरीबों के सलमान, सुना नहीं क्या घोड़ा चने से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या? चल ले ले। सुन मेरी बात, इससे पैसा नहीं लेना चाहिए। तो बकवास बंद कर रहे रवि, धंधे में नो कॉम्प्रोमाइज, बी पॉजिटिव बी स्ट्रांग। रुक, इसे ट्रम में उतारता हूँ। 20,000 में ना हो बे। तो फिर कितना दूं? 21,000 फाइनल फिगर। सर ये लीजिए। अरे वाह, थैंकू थैंकू, नए नोट दिए, काम भी नए तरीके से करेंगे। ट्रक कौन सा बता देना है। सर वहां देखिए, वो ट्रक है। घबराइए नहीं, हम आपको व्हाट्सएप में भेज देंगे ना। क्या? हाँ भैया बोलिए। बदबू आ रही है, ले इत्र लगा। अबे आगे देख। अरे इसमें ऑटो पायलट लगाए रे। घुमा घुमा गाड़ी, घुमा उसको, ओवरटेक कर। बुड़बक तो हमका भैया बोल के इमोशनल कर दिया। प्लीज जल्दी आओ इधर, मदद करो मेरी। अरे रे, टांग नहीं संभाल सकता तो मेरे रास्ते में टांग क्यों उड़ाई? स्पीड बड़ी और दुर्घटना घटी। चल टांग निकाल। थैंक्स भैया। हेलो सर, हमारा ट्रक चोरी हो गया। सर क्या कहा, ट्रक चोरी हो गया? किसने किया हिम्मत? वही आदमी जिसने आपको धमकी दी थी। मुझे किसने धमकी दी थी? देता हूँ सर। हेलो, कौन है तू? पहले तू बता बे। अबे होम मिनिस्टर, सलाम नमस्ते आदाब। वो ट्रक मेरा है। ट्रक पे आपका नाम नहीं था और आपके फंटर ने बताया भी नहीं। अब पता चल गया ना, मेरा ट्रक मुझे वापस कर। गद्दारी हो जाएगी। क्या ये क्या बक रहा है तू? 21,000 में कॉन्ट्रैक्ट लिया था। किसने दिया कॉन्ट्रैक्ट? चल भूल जा, डबल पैसे दूंगा, ट्रक वापस कर। सेंसेक्स ऊपर नीचे होता है, मेरी जबान नहीं। भी क्या है क्या,
जानता भी है ट्रक में क्या है? खाली भी हो तो मेरे को क्या करने का है? अगली बार ट्रक किडनैपिंग का काम मुझे ही देना। हाँ मतलब तू ट्रक वापस नहीं करेगा? एक बार जो काम मैं हाथ में लेता हूँ उसे पूरा करके ही रहता हूँ। अबे ट्रक वापस करता है या फिर मैं वहाँ पे आऊँ? खाली टाइम हो तो आ जाओ। ट्रक छोड़ेगा या नहीं? हिंदी नहीं आती तो गुजराती में बोलूं? ए, अपनी मौत को दावा दे रहा है तो? तेरी मौत का इनविटेशन कार्ड छप गया है। ऐसी मौत दूंगा कि डॉक्टर भी पोस्टमार्टम से इनकार कर देगा। तू पेट्रोल बचा। ट्रक में बैठकर मैं खुद आ रहा हूँ। तुझे नहीं पता मौत का ठेकेदार हूँ मैं। रिवर्स चाल। मेरे घर में आके मेरे आदमियों को मारा, मौत से डर नहीं लगता? डेमो देके क्या लगता है मौत से मेरी पुक पुकाती है? पहले मेरे भाई को मारा और फिर मुझे सॉरी बोलने का नाटक किया। मगरमच्छ से खेल रहा है तू? तेरे को कोड वर्ड में बोला था ना, तेरी आत्मा भटकेगी जिस दिन मेरी सटकेगी। उस दिन बैंक में तेरे भाई की धुलाई की ताकि तुझ तक पहुंच सकूं। सब प्लानिंग थी। तू आखिर है कौन? हम दोनों के बापू का नाम एक ही है, अनाथ। तेरे मेरे बीच क्या रिश्ता है? वही रिश्ता जो एक भाई के बीच होता है। मैं हैदराबाद के अनाथ आश्रम में पला और तू महाराष्ट्र के अनाथ आश्रम में। उन्होंने तेरी परवरिश अपनी सगी औलाद की तरह की और इस मकाम पर पहुंचाया और तूने उसी देवता को मार डाला। बच्चा समझकर तुझे माफ करता रहा। तू आज भी अनाथ बनकर सड़ रहा है और मेरी हैसियत हिमालय से भी ऊंची हो चुकी है। कल जब सीएम की कुर्सी पर बैठूंगा तो सारा राज्य झुककर मुझे सलाम ठोकेगा। ये है मेरा रुतबा। तेरे रुतबे को घमंड की दीमक ने पकड़ लिया है। ऐसी जगह डसूंगा कि पानी भी नहीं मांगेगा। सर उठाने वाले सांप का फन मरोड़ देता हूँ। ये पेट की मरोड़ नहीं जो चूरन लेकर साफ हो जाए। मेरे पाप के साम्राज्य को किसी ने भी हिलाने की कोशिश की तो जिंदा गाड़ दूंगा। बिना बदला लिए अगर मैं गड़ गया तो जमीन भी मुझे वापस फेंक देगी। आदमी तेरे हथियार, तेरे साम्राज्य, तेरा सर्वनाश तेरा, लेकिन टाइम मेरा होगा। पैसा वहीं पहुंचाया जहां उसे होना चाहिए था। जिसके हक का पैसा है वो उसी को मिले, ये मेरा फंडा है। लोगों के पैसे लूटना और अय्याशी करना तेरा धंधा है। वसीयत लिख डाल, तेरी मौत का दिन मैंने फिक्स कर दिया है। वीकेंड से पहले तेरा दी एंड करूंगा। वीकेंड पर मैं महाबलेश्वर स्ट्रॉबेरी खाने जा रहा हूं। मेरा जो उखाड़ना है उखाड़ लेना, इको पॉइंट पर मिलूंगा। और हाँ, रिटर्न में ओला बुक मत करवाना, क्योंकि उधर इस तेरी कबर बनाकर व्हाइट चुना मारूंगा।